हरे कृष्णा। भक्ति के पांच प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं और कैसे हमें उसका पालन करना चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो वैसे तो भक्ति के बहुत अंग हैं, 64 हैं, 9 हैं। रामायण में भी नवधा भक्ति का वर्णन है, प्रहलाद महाराज ने भी नवधा भक्ति बताया है और रूप गोस्वामी ने 64 प्रकार के नियम बताए हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर शॉर्ट में। तो ये और भी शॉर्ट में हमारे आचार्य बताते हैं हमें, रूप गोस्वामी की पांच चीजें हैं प्रमुख जो करना अति आवश्यक है। जैसे भक्तों का संग सबसे ज्यादा जरूरी है, भक्तों का संग। बहुत प्रश्न उठता है कि हम कैसे भक्ति को मेंटेन करें, कैसे हम आगे बढ़ें। तो सबसे प्रमुख चीज है भक्तों का संग। पहले तो हमें भक्तों को पहचानना होगा कि कौन भक्त हैं, फिर संग करना होगा। और संग कैसा, किसको संग करना कहते हैं, ये भी जानना होगा। अगर हम फोन के ऊपर बातें करते हैं और उन बातों में भगवान की चर्चा नहीं होती है, दूसरी बातें होती हैं, तो वो भक्तों का संग नहीं है। भक्तों का संग का मतलब है कि जिसके साथ हम बातें कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान की बातें करता हो और भगवान के बारे में कुछ भी क्रिया, जैसे पुस्तक वितरण है या मंदिर में जाके हार बनाना है या सेवा करनी है किचन में, इस प्रकार की सेवा यदि वो व्यक्ति करता है और आपको उसका साथ मिलता है तो वो भक्तों का संग है। यदि कोई व्यक्ति दीक्षित भक्त है, बहुत सीनियर भक्त है, तिलक करता है, कंठी पहनता है, धोती कुर्ता साड़ी पहनते हैं और वो बाहर की बातें जो है उसकी चर्चा करते हैं, तो वो फायदा नहीं होगा संघ का, उस संघ का। वो बहिर्मुख है अगर कृष्ण से। अंतर मतलब दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक चीजें होती हैं कि जो भक्ति में, भक्ति के रास्ते पे चल रहा हो और उसमें आपका स्पीड कम हो या ज्यादा हो, पर फिर भी भक्ति के दिशा में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, वो यदि आपको दिख रहा है किसी भी व्यक्ति में, तो भक्त संग का फायदा है। वो व्यक्ति भक्ति में ही आगे बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसका संग करना चाहिए। उसका जिस प्रकार से संग प्राप्त हो, आप उसके साथ मंदिर जा सकते हैं, आप उसके साथ बैठकर भगवत चर्चा कर सकते हैं, आप उसके साथ बैठकर के भगवान की कोई सेवा कर सकते हैं, इस प्रकार को कहते हैं भक्त का संग करना। लेकिन यदि भक्त है और भगवान से विमुख सारी क्रियाएं हो रही हैं, केवल नाम का, बाहर बाहर का वस्त्र है भक्त वाला, तो उसका संग करने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये आपको अनुभूति मिल जाएगी संग करने से कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि भक्त का संग किया जाए। दूसरा, भागवत का श्रवण। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और जितने भी शास्त्र हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उसका श्रवण करना और पठन पाठन करना। आजकल YouTube, CD, पेन ड्राइव, जो भी सुविधा मिलती है उसके माध्यम से शास्त्रों का हर समय श्रवणम करना होगा, पढ़ना होगा, कथा सुननी होगी, या आप अगर कथा बोलने वाले हैं तो कथा बोलना भी चाहिए। तो ये अति आवश्यक है क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक दुनिया में रह रह करके पूरा बेकार हो गई है। तो भागवत कथा से, भागवत श्रवणम कीर्तनम से ही बुद्धि हमारी सही दिशा में चलेगी और रहेगी। जब बुद्धि सही दिशा में नहीं रहेगी तो हमारे कार्य भी सही दिशा में नहीं होंगे। इसीलिए सिर्फ सेवा से भी काम नहीं चलता है, ज्ञान का भी होना अति आवश्यक है। दार्शनिक जो तत्व ज्ञान है वो भी अति आवश्यक है। इसीलिए भागवत कथा, भागवत के जो चरित्र हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भरत महाराज, गोपियाँ जो भी हैं, पृथु महाराज,
युधिष्ठिर महाराज जो भी चरित्र हैं श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में जानना, वो कैसे भक्ति कर रहे थे वो जानना, और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। 12 महाजन हैं, विष्णु पितामह, जनक, वली महाराज, यमराज जी, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि। तो जब हमें भक्ति स्ट्रांग करनी है तो जो स्ट्रांग है भक्ति में उनके दिखाए रास्ते पे चलना होगा। तो ये अति आवश्यक है, शास्त्रों को पकड़ के रखना, उसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना, कभी लाइटली नहीं लेना कि नहीं टाइम मिल रहा है सुनने का पढ़ने का, तो फिर हमारी भक्ति कमज़ोर हो जाएगी। तो ये बहुत आवश्यक है। भागवत श्रवणम, भागवत पठन पाठन, भागवत चर्चा बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा है नाम का जप। नाम का जप बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संख्या जो बताई गई है 16 माला का जप करना, स्पेशल तिथियों में और एकादशी को 25 माला का जप करना, वो करना चाहिए हर भक्त को। जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभी जुड़े नहीं हैं भक्ति में, उनको कम से कम माला लेके शुरू कर देनी चाहिए, एक माला, दो माला, चार माला, जितना हो सके। तो नाम जप से ही हमारा शुद्धिकरण होता है। उद्धव जी को कृष्ण कहते हैं कि मेरे एक नाम में इतनी शक्ति है पापों को नष्ट करने की, जितनी जीवों में क्षमता नहीं है पाप करने की। तो नाम इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो नाम का जप अति आवश्यक है। तीसरा हो गया। चौथा है विग्रहों की सेवा। हमारे घर में कोई विग्रह अवश्य रखने चाहिए, जैसे लड्डू गोपाल रख सकते हैं, गौर निताई रख सकते हैं। ये जब आपके घर में बहुत ज़्यादा नंबर है, डिवोटीज़ की संख्या ज़्यादा है, ब्राह्मण दीक्षित ज़्यादा भक्त हैं, तो आप फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रख सकते हैं या राधा कृष्ण रख सकते हैं। राधा कृष्ण तभी रख सकते हैं जब आपके घर के लोगों में इतनी क्षमता है कि वो एकदम निश्चित समय पर सारी सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज़ राधा कृष्ण को रखने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है हमारे गुरु महाराज का। तो गौर निताई रख सकते हैं, गौर निताई की सेवा करने से भक्ति बढ़ती है, और उसमें गलती भी अगर हम करते हैं तो बहुत दयालु होने के कारण गौर निताई माफ़ कर देते हैं। इसलिए गौर निताई को रखना बहुत ज़रूरी है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो विग्रहों की सेवा, इसके साथ साथ जब भी मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ आपको कुछ डोनेशन देना, भगवान के लिए कुछ फल ले जाना, कुछ खाने की कोई भी चीज़ सामग्री जो बनाने का कच्चा रॉ मटेरियल होता है वो ले जाना, और उनको किचन में जहाँ राजभोग बनता है, संध्या भोग बनता है, वहाँ जाके देना, वो सेवा हो जाएगी भगवान की, तो वो देना। या उनके लिए वस्त्र, जिनके पास ज़्यादा धन है वो उनके लिए गहने, वस्त्र, कुछ भी कर सकते हैं विग्रहों की सेवा के लिए, जितना संभव है आपसे विग्रहों की सेवा। और घर में गौर निताई और लड्डू गोपाल रख सकते हैं। तो ये विग्रह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा जो अंग है वो है मथुरावास, यानी कि धामवास। एक तो धाम जाएंगे हम लोग, जैसे मौका मिलता है वैसे जाना चाहिए, लेकिन नौकरी, बिजनेस, उम्र, जिम्मेदारियाँ, ये सब बाधा बनती हैं। तो इसलिए घर को भी धाम बना सकते हैं, और जैसे मौका मिलता है वैसे धामवास भी करिए, और अपने घर में इतना अच्छा से सेवा करिए अल्टर में भगवान की, कि आपका घर ही धाम बन जाए। ये भी एक तरीका है। परंतु फिर भी जैसे कि एक्सेलरेटर होता है, या आप कह सकते हैं जैसे आप सीढ़ी होती है जो बहुत तेज चलती है सुपरमार्केट में, एयरपोर्ट पे आप देखते हैं, हाँ, तो वो वाली सीढ़ी पे अगर आप चढ़ गए और दौड़ भी रहे हैं तो कितना स्पीड हो जाता है। उसी तरह यदि आप अपनी भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में धाम भी जा रहे हैं तो आपका वैसे ही स्पीड हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा स्पीड आपका भक्ति करने का, खास करके कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में जो भी आप करते हैं उस भक्तिमयी सेवा का 1000 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है यदि आप धाम जाके करते हैं।
तो इसीलिए धाम जाना भी अति आवश्यक है। तो अपने घर के परिस्थिति को देखते हुए 3 दिन कम से कम, और ज़्यादा तो आपकी मर्जी, तो आप इतना धाम वास करिए साल में 1 या 2 बार। और जब जिसकी उम्र ज़्यादा है, 50 से ऊपर है, जिम्मेदारियाँ समाप्त हो गई हैं, वो जाके धाम में वास कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं ज़्यादा दिनों के लिए या हमेशा के लिए, वो आप अपने गुरु महाराज से पूछ लीजिए, जैसा आपको आज्ञा देंगे वैसा आप कर सकते हैं। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन 5 के ऊपर यदि फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी भक्ति बढ़ जाएगी और आपके अंदर जो वैष्णव के गुण हैं वो भी पैदा हो जाएंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बांटिए, उसको शेयर करिए, भेजिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और सब्सक्राइब करिए, अवश्य करिए, ऐसा लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये बहुत अच्छे से फैलेगा। हरि बोल।